श्री यादव। हाँ बोलो बोलो, शांति बोलेगी। पहले माइक बोलो बेटा अपना। मैम आपने ये वर्क दिया था कि हमें कॉपी में पिक्चर अपने मनपसंद पक्षियों की पिक्चर बनानी है और उनके बारे में पाठ्य लाइन लिखनी है और उन्हें कलर भी उन्हें कलर करना है, पक्षियों की चित्र बनाना है और उनके बारे में लिखना है ना। ओके चलिए। तो अच्छा कितने बच्चों ने ये काम किया बताइए जरा फटाफट से। सानवी मोहितांशी अभी अपना माइक भी रखो, बंद रखो अपना माइक बेटा। हम एक एक करके सबको बोलेंगे ठीक है, हम एक एक करके सबसे नाम ले लेके पूछेंगे। अच्छा चलिए सबसे पहले आराध्या भार्गव। आराध्या आप मुझे सुन रहे हैं? आराध्या हाँ आपको जो काम दिया था आपने किया, पक्षी के चित्र बनाकर उनके बारे में लिखा। मैम थोड़ा सा किया था, थोड़ा सा किया। चलिए किस पक्षी के बारे में किया आपने? कोयल। कोयल के बारे में। चलिए कोयल के बारे में क्या लिखा आपने, कुछ बताएंगे कोयल के बारे में लिखने? कोयल गाना गाती है, मीठी मीठी बोली। अच्छा मीठी मीठी बोली में कोयल गाना गाती है। और कोयल के बारे में क्या लिखा आपने? कोयल की कोयल का रंग काला होता है। ओके कोयल का रंग काला होता है। और क्या लिखा कोयल के बारे में? डोरी लिखी थी। डोरी लिखी, लेकिन कोशिश करो, मैंने बोला था ना तो दो तीन चार पक्षियों के बारे में लिखना है तो लिखना है। ओके आगे अपना कंप्लीट करना काम को। नेक्स्ट है आदित्य लोधा। आदित्य अपना माइक खोलो बेटा। अच्छा आदित्य आप मुझे बताएंगे कि आपने क्या लिखा? मैं याद नहीं था। आपको याद नहीं रहा कि आपने लिखना था, ठीक है कोई बात नहीं। अभी आपके पास पेपर पेन है? नो मैम। बेटा क्लास ले रहे हो आप और आपके पास पेपर पेन नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है ना। चलो जाओ पेपर पेन लेकर आओ, पेपर पेन लेकर बैठा करो। जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी कॉपी की किताब लेकर बैठा करो बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बोल रही हूँ अलीना मंसूरी। अलीना मंसूरी आप मुझे सुन रहे हैं? अलीना मंसूरी आप मुझे सुन रहे हैं? तो माइक को अनम्यूट करो। यस मैम। ओके आप मुझे बताइए आपने लिखा था किसी पक्षी के बारे में लिखा था क्या? मैम तोते के बारे में। ओके तोते के बारे में। चलिए क्या लिखा तोते के बारे में आपने? तोता लाल रंग का होता है, तोते की लाल वो छोटी है, तोता हरे रंग का होता है, तोता मीठे मीठे बोल सुनाता है, तोता पेड़ों पर रहता है। गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब नेक्स्ट है, अब अपना माइक बंद करो बेटा, अब अपना माइक बंद करो। नेक्स्ट है अनीश यादव। अनीश यादव आपने कुछ लिखा था? मैम हाँ
नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। ओके तो एक अब तो अटेंड कर पा रहे हो। आप अपनी कॉपी में नोट कर लो बेटा कि हमको किसी एक पक्षी के बारे में लिखना है, उसका चित्र बनाना है, उसको कलर करना है। ओके ओके मैम। चिन्मय बोल, चिन्मय बोल आप सुन रहे हैं मुझे? साईराम, चिन्मय, चिन्मय। यस मैम। ओके चिन्मय, आपने कुछ लिखा क्या? मैम मैंने तोते के, आपने तोते के बारे में लिखा? चलिए सुनाइए मुझे, तोते के बारे में आपने क्या लिखा? मैम दो ही लाइन लिखी। दो ही लाइन लिखी, कोई बात नहीं, आप दो लाइन सुनाइए मुझे। चलिए। तोता हरे रंग का होता है, उसकी चोंच लाल होती है। बस ये लिखा। कोशिश करिए बेटा कि थोड़ा और ज्यादा लिख पाए। ओके चलिए अब नेक्स्ट है दिवांशी। अपना माइक बंद करो बेटा। चिन्मय अपना माइक बंद करो बेटा। यस मैम। अब आया है दिवांशी जैन। दिवांशी जैन अभी सुन रहे हैं आप मुझे? दिवांशी जैन। ओके यस मैम। आपने कुछ लिखा था? यस मैम। किसके बारे में? बुलबुल। आ गई बुलबुल। बुलबुल के बारे में? बुलबुल चिड़िया के बारे में। गुड, बुलबुल के बारे में लिखा था। चलो सुनाओ जरा क्या लिखा था आपने? एक चिड़िया जैसी होती है, बुलबुल एक चिड़िया जैसी होती है। ओके फिर? इसकी पूंछ के नीचे का हिस्सा लाल होता है। गुड गुड गुड। बुलबुल फल सब्जी व कीड़े मकोड़े खाती है। मैम तीन लाइन लिखी थी। चलिए ठीक है कोई नहीं, अभी और आप पढ़ा देना ठीक है। अब अपना माइक बंद करो। और मैम मैंने कोयल के बारे में भी लिखा था। कोयल के बारे में भी लिखा था? चलिए कोयल के बारे में बताइए। कोयल काली होती है, कोयल की आवाज मीठी होती है, कोयल मीठा मीठा गाना गाती है, कोयल हमें सुबह सुबह मधुर गीत सुनाकर हमें उठाती है। मैम बस इतना ही लिखा था। गुड, बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत अच्छा। जीविका आप मुझे सुन रहे हैं? जीविका। यस मैम। आपने किसी पक्षी के बारे में लिखा था? यस मैम कोयल के बारे में लिखा था मैंने। ओके चलिए कोयल के बारे में तो अभी सुनाइए। चलिए कोयल के बारे में सुना दीजिए। कोयल लाल रंग की, कोयल काले रंग की होती है, कोयल मीठी आवाज में गाती है, कोयल बरगद के पेड़ में बैठती है, कोयल का घोंसला गोल जैसा कटोरी जैसा होता है, कोयल के नीचे का हिस्सा लाल होता है। कोयल बस मैम। कोयल के बारे में बता रहे हो आप? यस मैम। कोयल किस रंग की होती है बेटा? मैम कोयल काले रंग की होती है। मैम माइक बंद कर लूं? हाँ। मोहितांशी आप कुछ बताएंगे? माइक बंद कर लो जीविका। मोहितांशी आप कुछ बताएंगे? किसके बारे में बताएंगे आप? मोर के बारे में। चलिए मोर के बारे में बताइए। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर कीड़े मकोड़े खाती है, इसके कई प्रकार के रंग होते हैं, यह बारिश में अपने पंख फैलाकर नाचती है, इसके सिर पर कलगी होती है, यह हू हू बोलती है। ओह वेरी गुड। अच्छा ये बताइए मोर जब बादल गिरते हैं तो मोर बोलता है क्या? सुना है किसी ने मोर को बोलते हुए जब बादल गिर के आ जाते हैं तब? यस मैम। चलिए
अब पूर्ति यादव, पूर्ति यादव आप मुझे सुन रहे हैं? ये वैभव गुणकर को नहीं, वैभव आपने अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर दिया है बेटा, उसको हटाइए। वैभव चलिए, पूर्ति आप मुझे सुन रहे हैं? पूर्ति यादव आप मुझे सुन रहे हैं? यस मैम। आपने किसी पक्षी के बारे में लिखा है क्या? चलिए कुछ नहीं। यस मैम। सानवी आप बोलना शुरू करिए। चलिए सानवी बोलिए। कोयल का रंग काला होता है, कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है, कोयल हमेशा पेड़ पर रहती है, कोयल दूसरे पक्षी के घोंसले में अंडे देती है। कोयल लगभग 120 तरह की होती है। बहुत अच्छा। अगला है शिवांश। शिवांश यस मैम। आपने लिखा है कुछ? मैम मैंने मोर के बारे में लिखा है। सुनाओ मोर के बारे में। यस मैम। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? नो मैम अभी क्लियर नहीं आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, आप लोगों की भी नहीं आ रही है थोड़ा सा। मैम मैं मोर के बारे में बताऊं? हाँ मोर के बारे में बोलो। मोर भारत का राष्ट्र, मुझे मोर सबसे ज्यादा पसंद है। मोर बारिश के मौसम में नाचती है, मोर के पंख बहुत अच्छे होते हैं, मोर नीले रंग की होती है। शांति अपना माइक बंद करो बेटा, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। शांति माइक बंद करो बेटा। चलिए अब आता है, मैं वैभव गुणकर ने ज्वाइन किया है। वैभव आप कुछ बोलना चाहेंगे? वैभव आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपना माइक खोलो, बोलना चाहेंगे आप? वैभव आप मुझे सुन पा रहे हैं? वैभव आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके। अगला है यथार्थ गुर्जर। यथार्थ आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। आप कुछ बताएंगे किसी पक्षी के बारे में? मैम तोता। तोते के बारे में? ओके बोलो। यस तोता हरे रंग का होता है, इसको हरी मिर्च पसंद है, यह बोलता भी है, इसकी चोंच लाल रंग की होती है, तो तोता पेड़ पर रहता है, हम तोते को पालते भी हैं। मैम बस इतनी आती है। चलिए गुड। देखिए आप लोगों ने तोता, कोयल, मोर आदि के बारे में लिखा है ना, बहुत अच्छा। यथार्थ अपना माइक म्यूट करो बेटा बोलने के बाद। चलिए आप देखिए सबसे बड़ी बात क्या थी, और पक्षियों के बारे में भी आप देखना है कि कोशिश करना है, ठीक है? और भी अन्य पक्षियों के बारे में जो बिल्कुल अलग पक्षी है उनके बारे में भी देखेंगे, ठीक है? क्योंकि हमको वो भी करना है ना। चलिए अब हम आपको आज कुछ सेंटेंस देंगे बनाने के लिए, हम यहीं से पूछेंगे है ना, हम यहीं से पूछेंगे। ओके चलिए हम आ
आप लोगों को हमारी आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है आपको हमारी आवाज? यस मैम, यस मैम, ओके, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? यस मैम, यस मैम, यस मैम, आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है बेटा? यस मैम, ओके, यस मैम, यस मैम, ओके ओके। अब हम क्या करेंगे? इन शब्दों से वाक्य बनाएंगे, ओके? इन शब्दों से आज तो हम सबसे एक एक वाक्य ले लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे? हाँ, गाना। अच्छा, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, फिर मैं आपकी सुनूंगी। देखिए, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमको जो वाक्य बनाने हैं ना, वो पाठ से नहीं बनाना, पाठ से कुछ अलग हटकर हमको वाक्य बनाना है, ठीक है ना? पाठ से अलग हटकर हमको वाक्य बनाना है, ठीक है ना? वाक्य बनाएंगे लेकिन पाठ से कुछ अलग हटकर वाक्य बनाएंगे, ठीक है? चलिए, अब मुझे कौन बताएगा गाना और मिश्री? कौन लिखने का काम? गाना और मिश्री शब्द को प्रयोग कर। मैम, मैम, मैम। हाँ बोलो, कौन है? मैम, मैम, कवि, मैम, 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 कोयल गाना, कोयल मिश्री जैसे गाना गाती है। कोयल मिश्री जैसा गाना गाती है, मिश्री जैसा मीठा गाना गाती है। लेकिन मैम बोला है कि लिखना भी है बेटा। अभी हमें बोला था ना कि आपको पाठ जैसा नहीं बनाना है वाक्य, कुछ और बनाना है, कुछ अलग सा बनाओ, पाठ में से नहीं बनाना है। मैम, मैं बोल सकती हूँ? मैम, 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 मैं गाना मिश्री जैसी गाती हूँ। मैं गाना मिश्री जैसा मीठा, मिश्री का, मिश्री की उस नाम में मिश्री की चर्चा की थी, देखा था कि मिश्री मीठी होती है। यस मैम। हाँ, तो फिर आपको कैसे नहीं? यस मैम। हाँ, तो मिश्री जैसा मीठा गाती हूँ मैं, मिश्री जैसा मीठा गाना गाती हूँ, इस तरीके से। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, जिस बच्चे को भी बोलना है वो अपने नाम के साथ बोलेंगे कि मैडम मैं बोलूं, मैं से मतलब अपना नाम बताएगा, तो फिर मैं यहाँ पर नाम बता पाऊंगी जिस बच्चे को बोलना है, ओके? चलिए, और कोई बोलना चाहेगा? अच्छा, सारे बच्चे एक बार ध्यान से सुन लीजिए मैम, यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक सा नहीं लिखेंगे, सब बच्चे अपना अपना वाक्य बनाएंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट जब क्लास होगी तो हम सब बच्चों से वाक्य पूछेंगे कि आपने कौन सा वाक्य बनाया, ठीक है? अभी तो हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। मैम, इन्हें नोटबुक में राइट करना है। हाँ मैम, इन्हें नोटबुक में राइट करना है। हाँ, नोटबुक में लिखना है आपको, इसको नोटबुक में आपको लिखना है, ठीक है? मैम, मैं लूंगा। चलिए, दिनभर और कोयल, कौन बोलेगा? मैम, मैं, मैम, मैं कौन? जीविका शिवराम बोल सकती है। अच्छा, जीविका बताओ। जीविका मैम, मैं मैम कोयल दिनभर, मैम कोयल दिनभर जाती है। देखिए आप लोग, देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि पाठ से वाक्य मत बनाओ। बोलो, मैं आराध्या भार्गव। मैम, मैं आराध्या भार्गव। आराध्या भार्गव बताओ। कोयल दिनभर बोलती है, कोयल दिनभर मीठी बोली बोलती है, मीठी बोली बोलती है। चलिए, चिन्मय आप भी बोलना चाह रहे थे, चिन्मय, चिन्मय। मैम, मैम कोयल दिन, मैम कोयल दिनभर गाती रहती है। ओके, यथार्थ यस मैम, आप बोलना चाहेंगे?
नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, किटोली और चिड़ना का शब्द। मोहितांशी, मोहितांशी आप मुझे बताएंगे किटोली और चिड़ना का। मुझे मेरे सखा किटोली। मैम मैं एक सेकंड, मोहितांशी बाकी बना रही है, विजय ने भी बोलेगा। चलिए मोहितांशी बाकी बनाइए। मुझे मेरे सखा किटोली से चढ़ाते हैं। थोड़ा सा और भी मैं सुधार दूंगी, ठीक है। कोई और बच्चा बोलना चाहेगा? मेरा भाई किटोली का नाम, नाम दोनों शब्द प्रयोग करना है। मैम मैं बोलूं? मैं कौन? जीविका शिवरे। हाँ जीविका शिवरे बोलिए। मेरे टिटोली दोस्त मेरे को दिन भर चिढ़ाते रहते हैं। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताइए टिटोली का मीनिंग क्या है, क्योंकि आप लोग मतलब मैं मजाक मैं मजाक करना मैं मजाक हंसी मजाक बताए क्या टिटोली का मजाक है, तो फिर वो बाकी क्यों नहीं आ रहा है। चलिए और मैं कौन, मैंने बोला है कि नाम मैं मेहतर आदित्य लोधा। हाँ, कोयल दिन भर मीठा गाना गाती है। बेटा यथार्थ में टिटोली नेक्स्ट आ गया है नंबर टिटोली और चिड़ना का। बोलना क्या था जी? कभी कभी मीठी चीज अच्छी लगती है। टिटोली और चिड़ना का बताओ, जैसे मुझे जैसे किसी एक बच्चे ने बताया मेरे साथ ऐसी टिटोली करते हैं तो मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाता हूँ, मैं चिढ़ जाती हूँ। तो अब आया है जरा, सना और सकरालू। जल्दी बोल दो मुझको, बोल दो सदा रोटी का। जरा जरा और झगड़ालू रोटी कौन बोलेगा, बाकी कौन बोलेगा? जरा और झगड़ालू छोरा सर हमारे स्वास्थ्य मेरे स्वास्थ्य झगड़ालू। बताओ बेटा जल्दी से कौन बदला चाहेगा इसका? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैम मैम तू मैम कभी उद्दीन मैम अथर भार्गव मैं अथर भार्गव मैम कभी उद्दीन पहले कभी उद्दीन को बोलने का किसी बात में आप भी अथर को बोलना हमारे स्वास्थ्य के लिए रोटी सदा तरह कुछ लोग झगड़ालू होते हैं सदा होती है होती है। जरा सी देर में मैं झगड़ालू हो जाता हूँ। जरा सी देर में मैं झगड़ालू हो जाता हूँ। ओके और कोई बोलना चाहेगा इसका? अपन लिखी नहीं पाया एक साथ पूरे बोल दो, बोलो बोलो जल्दी से खाना इस पे बोलो ना तो माइक ऑन तो करो बोलो इसको बोलना है बेटा बोलो। मैम मैम कवियुद्दीन नहीं अभी कोई बोलना चाह रहा है इसको। मैम देवांशी देवांशी बोलो जरा और बोला ना था जगह मेरा भाई सदा रोता रहता है। ये तो आप सिक्स्थ का बोल रहे हैं ना। मैं पूरे बोल दो एक साथ। मैं कभी उतनी मीठी कभी नहीं मैं जरा और झगड़ालू का भी क्लियर नहीं हुआ है इसलिए मैं अभी आगे नहीं बढ़ रही हूँ। यस मैम। जरा और झगड़ालू आप चाहें तो शब्दों को आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने जरा झगड़ालू मैम मैम झगड़ालू का बताएं क्या? बताओ बेटा बताओ। मेरी बहन मैम मेरी बहन
मैम मेरे दोस्त क्या मेरे दोस्त जरा झगड़ालू हैं। मैं कभी कभी टीवी नहीं चलाती हूँ। मैं क्या हो मैम अभी टाइम है मेरे को आ गया एक मैम मैं छह मैम मैं सारे वाक्य बोलूं क्या मैम मैम दिवांशी नाम देखो मेरे मैम दिवांशी देखिए हाँ दिवांशी बोलो जरा मैं सारे वाक्य बोलूं क्या सारे वाक्य नहीं बोलना है बेटा अभी टाइम इतना नहीं है अभी आप लोगों को क्या करना है देखिए मैं बताती हूँ अब आप लोगों को क्या करना है अब आप लोगों को मैम स्क्रीन में दिख रही है मैम स्क्रीन नहीं दिख रही स्क्रीन मैंने बंद कर दिया बेटा प्रेजेंट करना मुझे मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है यस मैम तो मैं बोल रही हूँ ना मैम मैंने सारे लिख लिए सुनाई दे रही है स्क्रीन नहीं दिख रही है मैम अथर्व कर रहा है सबको पता है पढ़ने दो उसको अभी आप लोगों को इसको एक लिखना है इसको लिखकर सुनाना है अभी एक और चीज करना है अब एक अलग बात बताती हूँ मैं आपको कि आपको क्या करना है नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो हमको क्या करना है मालूम है मैम हाँ क्या हमें पीडीएफ मिलेगा वो स्क्रीन का वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा बेटा यस मैम वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा तो आप उसमें से कर लेना ठीक है यस आप एक और चीज ध्यान से सुनिए एक तो आपने ये वाक्य रचना करना है ओके और नेक्स्ट जो है वो मैं आपको जो काम दे रही हूँ आपको एक कविता लिखनी है अपनी तरफ से एक कविता लिखनी है इसके ऊपर अपने मित्र के ऊपर कविता आपको नोट कर लीजिए आप लोग नोट कर लीजिए आपको आपका सबसे प्रिय मित्र है ठीक है ना आपका जो सबसे प्रिय मित्र है उस मित्र के बारे में आपको एक कविता लिखनी है लिख लिया सभी ने नोट कर लिया आपको ये वाक्य बनाने हैं और आपको एक कविता लिखनी है अच्छा वाक्य तो मैं कल आपका पीरियड है तो वाक्य तो मैं आपका कल सुनूंगी ठीक है और कविता मैं नेक्स्ट थर्सडे कविता मैं आपसे नेक्स्ट थर्सडे आपसे कविता सुनूंगी आप लोगों ने नोट कर लिया है सबने नोट किया सबको समझ में आ गया वाक्य रचना आपको जो वाक्य रचना करनी है वो वाक्य रचना कब करनी है कैसे करनी है वाक्य रचना कैसे करनी है किताब से या नहीं करनी है किताबों के सेंटेंस नहीं बनानी है बल्कि आपको अपने अलग से कुछ बनाना है ठीक है कल वाक्य रचना मैं सुनूंगी और उसके बाद मैम आप वीडियो भेजोगी क्या किसकी अरे पीडीएफ
मम्मी जो भी स्क्रीन थी बेटा इसका वीडियो जो आएगा ना उस वीडियो में जो आपको ये जो हम लोग बात कर रहे हैं सब कर रहे हैं इसका एक रिकॉर्डिंग हो रहा है और ये रिकॉर्डिंग करके वीडियो आपको भेजा जाता है तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और आपको व्हाट्सएप पर भी भेजा जाता है ठीक है ना आपके व्हाट्सएप पर ये वीडियो आएगा उसको दोबारा से देख कर वहाँ से ये आप लोग ले सकते हैं ठीक है ना ओके मैम ओके मैम चलिए सायरा टाइम आपको हो चुका है सायरा मैम Sairam, 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 Sairam